सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। समय की कमी होने की वजह से हमारे आउटडोर शूट्स 8-10 दिन के लिए पोस्टपोन हो चुके हैं। जैसे ही समय और हर चीज़ सही हो जाएगी आपके लिए आउटडोर शूट्स लेकर आएंगे जिसमें अच्छी लोकेशंस, अच्छी गाड़ी और नॉलेजेबल बायर्स होंगे। आज तक आपके लिए यही हम करते आए हैं क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है और आपकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद हो जाती है। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम अपने चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी पे पैसा लगाए खरीदने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि जब आप अपनी मेहनत का पैसा अपनी जेब से उस पर लगाएंगे ना तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द मलाल पछतावा ना हो कि हमने क्या ले लिया क्यों ले लिया। क्योंकि शौक शौक में इंसान गाड़ी ले लेता है, बाद में उसे पता चलता है अरे ये भी ऑप्शन थे, ये इसमें कमी थी, ये अच्छा था या बुरा होता, काश पहले पता होता। तो उसी तरीके से एक सीरीज चला रखी है जिसमें बजट के हिसाब से हमने गाड़ियां बताई हैं, लोगों की कंफ्यूजन को काफी दूर किया है हमने अपनी पिछली 3 वीडियोस के जरिए। तो आज एक और वीडियो बना रहे हैं। आज एक ऐसे सेगमेंट और ऐसे बजट की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि एंट्री लेवल सेगमेंट। मिडिल क्लास आदमी बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ता है और उसका यही सपना होता है कि यार घर भर मेरा सही हो गया, अब ज़रूरत के लिए गाड़ी खरीद लेता हूँ और 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पर शिफ्ट हो जाता हूँ। मेरे घर में एक साधन हो जाएगा, आधी रात का मेरे पास गहना हो कि मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, मुझे किसी से मांगनी ना पड़े, चाहे वो हॉस्पिटल जाना हो, शादी ब्याह में जाना हो, पार्टी में जाना हो, या बारिश के दिन है मुझे कहीं जाना हो, मैं सेफ रहूं और मेरी फैमिली के चारों पांचों इंसानों को कभी जाना हो तो मेरे पास एक व्हीलर हो, उनके लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारा जो बजट सेगमेंट होगा वो होगा 6 लाख से 8 लाख रुपए, 6 लाख से 8 लाख के बीच। 8 लाख भी हम टच नहीं करने वाले, उससे नीचे ही रहने वाले हैं। आपके लिए कौन सी गाड़ी सुटेबल रहेगी उसके बारे में आपको बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में 3D एनिमेशंस और एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं होगी क्योंकि काफ़ी बिजी है, हम नहीं कर पा रहे एडिटिंग एंड ऑल, तो रो वीडियो होगी ये। लेकिन नॉलेज कंटेंट बहुत अच्छा डालेंगे, बिल्कुल अनबायस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ गाड़ियाँ फाइनल की हैं, सबकी बुराइयाँ अच्छाइयाँ बता के उसकी लास्ट में फिल्ट्रेशन करेंगे कि इनमें बेस्ट कौन सी है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से फिट कौन सी होती है। मैंने आपके लिए जो फिल्टर की है वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, वैगन आर, इग्निस, सिलेरियो, ह्युंडई की ग्रैंड i10, नियोस और ह्युंडई की एक्स्टर। टाटा की बात करें तो टाटा की टियागो और पंच, निसान मैगनाइट, रिनोल्ट काइगर और क्विड। ये कुछ गाड़ियाँ जो आपके लिए फिल्टर की हैं, लेकिन अभी इनमें से फिल्ट्रेशन और ज़्यादा होगी। सारी बुराई अच्छाई वन बाय वन सबके बारे में बता देता हूँ, प्लस माइनस पॉइंट्स आप कहीं लिखने हो लिख सकते हैं, वर्बली याद कर सकते हो तो कर सकते हो, और गाड़ी नई भी लेनी तो भी ये वीडियो एंड तक देखें, नॉलेज भर रहेगी। सबसे पहले टाटा टियागो और टाटा पंच के बारे में बात कर लेते हैं। जिनका बजट 6 से 7 लाख के बीच लाई करता है वो टाटा टियागो को एक चॉइस बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है जो कि 1200 cc का होगा, 85 bhp की मैक्सिमम पावर और 113 न्यूटन मीटर का ये इंजन टॉर्क निकालता है। इंजन अच्छा है। गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी की बात करें 4-स्टार रेटिंग ये गाड़ी का कैरी करती है। आपको किसी प्रकार की इस गाड़ी में हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको ये गाड़ी परेशान बहुत कम करती है। और अगर माइलेज की बात करें, सिटी के अंदर 13 से 14 की माइलेज और हाईवे पर आपको ये 18-20 की माइलेज ईजिली दे देती है ये गाड़ी। दूसरी ओर ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की होगी। लेकिन अगर कुछ कमियों की बात करें कि इस गाड़ी में कमी क्या है, कमी ये है कि अगर आप टाटा की कार ले रहे हैं तो आपको एक तो उस कार की PDI अच्छे से करनी होगी, यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जिसमें गाड़ी का फिट एंड फिनिश अच्छे से चेक करना होगा। क्योंकि टाटा की गाड़ियों में कुछ यूनिट्स में कंप्लेन आती है कि वो ख़राब निकली या उनकी फिट एंड फिनिशिंग अच्छी नहीं है और थोड़ा सा इंजन में रिफाइनमेंट कम है, यानी कि इंजन 3 सिलेंडर होने की वजह से थोड़ा सा शोर ज़्यादा मचाता है। इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा और टाटा की आफ्टर सेल सर्विस आपके एरिया में कैसी है ये पहले ही पता कर लेना, उसके बाद टाटा
टियागो का डिसीजन बनाना, और साथ ही जब बजट थोड़ा सा एक्सीड हो जाता है तो टाटा पंच आप ले सकते हैं, आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी यानी कि 187 mm की। यहाँ भी 3 सिलेंडर 1.2 लीटर इंजन मिलेगा, लेकिन यहाँ पावर टियागो से थोड़ी ज़्यादा देता है इंजन, जो है 87 BHP मैक्सिमम पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। SUV स्टांस देगा, 5-स्टार रेटिंग देगा, और कमियाँ इस गाड़ी में भी सेम है, वही फिट एंड फिनिशिंग और आफ्टर सेल सर्विस को लेकर कुछ कमियाँ है, और इंजन की रिफाइनमेंट थोड़ी कम है, क्योंकि आप ध्यान देंगे ना और डीपली जाएंगे, टाटा इंजन की तरफ कम काम कर रहा है, बाकी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और सेफ्टी तो टॉप नॉच है। सेफ्टी के मामले में इस बजट में आपको टाटा टियागो और टाटा पंच बेस्ट कार मिलती हैं। अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं मारुति की गाड़ियों की। मारुति मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाता है, यही कारण है कि मास ऑडियंस के पास, जितने भी हम रो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास मारुति गाड़ियाँ बहुत होती है, यहाँ तक कि लोगों की पहली गाड़ी अधिकतर मारुति होती है। सेफ्टी का यहाँ पे एक मेजर कंसर्न रहता है, बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स को देखते हुए लोगों की अब सेफ्टी की तरफ ध्यान चला गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मारुति की कुछ गाड़ियाँ आपके लिए फिल्टर कर रखी है, जिसमें है मारुति सुजुकी वैगनार, सिलेरियो, मारुति सुजुकी स्विफ्ट और मारुति सुजुकी इग्निस। इग्निस ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। अगर आप मारुति सुजुकी स्विफ्ट लेना चाहते हैं, सॉरी वैगनार से शुरू करते हैं, वैगनार और सिलेरियो को इकट्ठे लेकर चलते हैं, दोनों में एक ही तरह का इंजन आता है, जो है 1000 cc का। अगर दोनों के इंजन की पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 66 BHP मैक्सिमम पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि ठीक ठाक है, या यूं बोलूं कि कम है। मतलब सिटी में इंजन सही परफॉर्म करते हैं, हाईवे पे 80 की स्पीड तक भी ये इंजन सही परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये अंडर पावर फील होते हैं। ये मारुति सुजुकी सिलेरियो और वैगनार 6 से 7 लाख, 7 लाख से नीचे 6.5 लाख, 6.25 लाख जिनका बजट है, उनके लिए अच्छी गाड़ी है। जिनको स्पेस चाहिए, बिल्कुल लो मेंटेनेंस गाड़ी चाहिए, 3 सिलेंडर इंजन आता है, लेकिन इसकी रिफाइनमेंट टाटा से थोड़ी बेटर है, और माइलेज चाहिए। माइलेज आपको सिलेरियो 24-25 किलोमीटर पर लीटर और वैगनार 20-22 किलोमीटर पर लीटर की हाईवे पे, और सिटी के अंदर 14-15 की वैगनार माइलेज दे देती है, और सिलेरियो 15-16 की माइलेज इजीली दे देती है। स्पेस बहुत ज़्यादा है वैगनार में, बड़ी बड़ी SUVs में इतना स्पेस नहीं है जितना वैगनार देती है। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है, 165 mm वैगनार की है और सिलेरियो की 170 mm है, लेकिन यहाँ पे जो एक ही कमी है और जो सबसे बड़ी कमी है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हल्की हैं, यानी कि वैगनार 1-स्टार रेटिंग और सिलेरियो 0-स्टार रेटिंग है। कह सकता हूँ कि 2-व्हीलर से आपको ये बेटर सेफ्टी देगी, लेकिन 4-व्हीलर में सबसे कम सेफ्टी ये गाड़ी आपको देगी। सिटी के अंदर गाड़ी चाहते हैं तो इनको कंसिडर कर सकते हैं, हाईवे पर चाहते हैं तो सेफ्टी काफ़ी कम है, माइलेज ज़्यादा चाहते हैं, माइलेज का लालच है तो ये गाड़ी लें, अदरवाइज सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी काफ़ी कमज़ोर है। अदरवाइज रीसेल वैल्यू, मेंटेनेंस कॉस्ट, हर मामले में ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं ह्यूंडई की, और लास्ट में बात करने वाले हैं हम इग्निस, बलिनो और मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये तीनों गाड़ियों को एक साथ लेंगे। ह्यूंडई में आपको एक्स्टर और i10 7 लाख से ऊपर, मतलब आपका बजट जाएगा इन गाड़ियों को लेने के लिए, आप ह्यूंडई एक्स्टर, ग्रैंड, i10, नियोस, इनमें से एक गाड़ी ले सकते हैं। दोनों ही गाड़ियां एक इंजन साझा करती हैं, जो है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। याद रखना इस बजट में 4 सिलेंडर इंजन, 82 BHP मैक्सिमम पावर, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देंगी, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन यहाँ माइलेज का थोड़ा इशू है। एक्स्टर और i10 ग्रैंड आपको सिटी के अंदर 12 से 13 का माइलेज और हाईवे पे 17-18 का माइलेज निकाल कर देंगी, वो भी अगर आप ढंग से गाड़ी चलाते हैं तो। कोई इससे ज़्यादा माइलेज भी निकाल रहा होगा, लेकिन मेरे नज़रिए में, मेरे एक्सपीरियंस से, जितने लोगों से मैंने बात की है, पूछा है, उनको यही माइलेज मिल रही है। 4 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी रिफाइंड है। i10 ग्रैंड आपको 2-स्टार रेटिंग। उधर दूसरी ओर अगर बात करूँ एक्स्टर की, उसकी सेफ्टी रेटिंग नहीं आई, वो भी 3-स्टार तक रेटिंग आपको देगी। बाकी मैं भगवान नहीं हूँ जो कुछ भी प्रेडिक्शन करूँ, पता नहीं क्या सेफ्टी रेटिंग देगी, बट फिलहाल के लिए 2-स्टार
आई10 ग्रैंड देती है, एक्स्टर वो देती है, इंजन रिफाइंड है, प्रीमियम गाड़ी है, कैबिन अच्छा है, स्पेस अच्छा है, सीट्स एंड कंफर्ट भी अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। दिक्कत वाली बात है कि बस 2 स्टार और 3 स्टार वाली है और माइलेज थोड़ी कम मिलेगी। अगर आप इन चीज़ों से एडजस्ट कर सकते हैं, इन दोनों गाड़ियों को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी बिल्कुल पर्सनल कंसल्टेंसी गाड़ियों को लेकर, अब तक मैं काफ़ी गाड़ियों को रिव्यू कर चुका हूँ, ओनर से मिलके बातें करता हूँ, उनके कई कई साल के एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट है, वहाँ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टी के लिए, कंसल्टेंसी के लिए एक छोटा सा चार्ज लगता है, लेकिन आपको फुली गाइड किया जाएगा आपके और मेरे टाइम के स्केड्यूल के हिसाब से जो फिट बैठेगा। अब आते हैं वो कारें जो वर्थ इट है इस बजट में, वो है मारुति सुजुकी की इग्निस, बलिनो और स्विफ्ट। जब आपका बजट 7 लाख से नीचे या 7.5 लाख से नीचे का है, 7.25 लाख, 7.25 लाख ऐसा बजट है, इग्निस एक बहुत अच्छी गाड़ी है। 4 सिलेंडर इंजन है, 82 BHP मैक्सिमम पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगी कार, साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इंजन काफ़ी रिफाइंड है, माइलेज भी अच्छी 20 से 22 की हाईवे पे, सिटी के अंदर भी 15-16 की इग्निस निकाल देती है, 15 इंच का टायर देती है, और सेफ्टी में तो ये मारुति वाली है, 1-2 स्टार ही रेटिंग होगी, बट इस गाड़ी का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत अच्छा है। नेक्सा के प्लेटफॉर्म पे गाड़ी मिलती है, प्रीमियम कार है, हर तरफ से अच्छी है, सेफ्टी के कंजर्न पे थोड़ा सा पीछे रह जाती है। जिन लोगों को शहर में गाड़ी रखनी है, सिटी में रखनी है और शौकिया हैं कार के, इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, गियर शिफ्टिंग स्मूथ चाहिए, स्टेयरिंग परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, इग्निस को ज़रूर कंसिडर करना। आज मुझे एक छोटी गाड़ी की घर में ज़रूरत हो, चाहे इग्निस की रीसेल वैल्यू ठीक ठाक है, मैं उठा के इग्निस ले आऊँ 1 मिनट में, मुझे बड़ी प्यारी लगती है, छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है, चलाने में बहुत आसान है, घर की बेटी, बहू, बहन कोई भी चला सकता है मज़े से। अगर बजट 7.5 लाख से ऊपर चला जाता है, आई10 ले रहे हो या एक्स्टर ले रहे हो, तो स्विफ्ट और बलिनो एक अच्छा ऑप्शन है। स्विफ्ट नई आ चुकी है, 3 सिलेंडर इंजन देती है, 3 सिलेंडर इंजन के साथ उसकी रिफाइनमेंट थोड़ी कम हुई है, लेकिन उसकी माइलेज काफ़ी बढ़ चुकी है। जो स्विफ्ट का 3 सिलेंडर इंजन है, वो मैक्सिमम पावर 80 BHP और टॉर्क 112 न्यूटन मीटर की निकाल रहा है। सेफ्टी के पर्पज़ से स्विफ्ट ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, वेट बढ़ा है, बट टाटा जितनी सेफ्टी तो आपको ये नहीं देने वाली। लेकिन अगर आप स्विफ्ट लेंगे तो कंपनी ने क्लेम किया है 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, 22-23 तो दे ही देगी, सिटी के अंदर भी 15-16 का स्विफ्ट माइलेज आसानी से दे देती है, काफ़ी प्यारी लुक्स है, लो मेंटेनेंस है, अच्छी लगती है कार, आफ्टर मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। और जो नई लुक्स आई हैं उसके अंदर फ्रंट लाइट और रियर लाइट की मॉडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा कर दी है, इजी टू ड्राइव है, रिफाइनमेंट कम हुई है लेकिन बुरी नहीं है, इंजन शोर नहीं मचाता, राइड क्वालिटी काफ़ी कंफर्टेबल है और स्विफ्ट सड़कों पे राज करती है। इसका बेस मॉडल ले सकते हैं आप, 7.5 लाख के अराउंड आपको कॉस्ट करेगा। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग बेटर से इन सेम बजट, बलिनो कंसिडर कर लेना, 4 सिलेंडर इंजन है, मैक्सिमम पावर 88 BHP और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क है जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, गाड़ी बहुत रिफाइंड है, 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग है वही बेकार वाली, बट माइलेज बहुत अच्छा है बलिनो का, क्योंकि इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आती है, माइलेज आपको बलिनो हाईवे पे 22-23 का, लोकल में 15-16 का ईजिली दे देती है, लो मेंटेनेंस है और प्रीमियम हैचबैक की गाड़ी है जो कि हैचबैक सेगमेंट में आ जाती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है भाई, जिसको सेफ्टी चाहिए और बजट 7 लाख से नीचे का है, टाटा टियागो लो, 7 लाख से ऊपर का है, टाटा पंच लो। जिसको माइलेज चाहिए, सस्ती गाड़ी चाहिए, इजी टू मेंटेन चाहिए, जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी हो, 2 व्हीलर से बेटर हो, वो मारुति सुजुकी वैगनर ले सकता है, फुल ऑफ स्पेस है, घर में कम मेंबर हैं तो सिलेरियो ले सकता है, और अगर लड़का है, यंग एज का है या थोड़ा सा लुक्स भी प्यारी चाहिए, वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट ले सकता है, माइलेज ये गाड़ी दबा के देंगी। जिसको ह्यूंडई की ही गाड़ी लेनी है, थोड़ी सी प्रीमियमनेस सेगमेंट में इन सबसे ज़्यादा चाहिए, वो आई10 ग्रैंड और एक्स्टर ले सकता है, वहाँ माइलेज कम होगी और इंजन परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। और
दो गाड़ियां रह गई, तीन, निसान मैगनाइट, रिनोल्ट काइगर एंड क्विड। इन गाड़ियों का सजेशन मैं आपको अच्छे से नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा? क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत लिमिटेड है। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे शोरूम अवेलेबल नहीं है, और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ इनकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी का भी नहीं पता, शोरूम्स बड़े कम अवेलेबल हैं। और मैं ऐसी गाड़ी आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा जिसका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी अभी डाइसी सिचुएशन में है। मैं आपको कह दूँ कि ले लो, इसके फीचर देख के, ये देख के, वो देख के, लॉन्ग टर्म का अभी नहीं पता एक्सपीरियंस ऑल ओवर इसका कैसा है कैसा नहीं। तो इन गाड़ियों को का सलाह मैं नहीं दे पाऊंगा। जब इन गाड़ियों को मैं खुद से चला लूँगा, ओनर से रिव्यू ले लूँगा, तब आपको मैं रिव्यू दूंगा। बाकी की गाड़ियाँ जितनी भी मैंने आपको सजेस्ट की है, मेरी खुद की परखी हुई देखी भाली है। मैंने इनको खूब चलाया है, ओनर से खूब रिव्यू लिया है। इनके पर्सनल ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहते हो, चैनल पर जाओ, चेक करो, आपको मिल जाएंगे। कोई और आपकी क्वेरी है मुझे कमेंट करो, पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो। वीडियो अब तक अच्छी लगी हो आप लाइक करो। वीडियो में अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में तो आप कमेंट कीजिए। जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा कि भैया हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, उस पे हम ज़रूर बनाएंगे। गाड़ी एक दूसरा घर है, घर अच्छा होना चाहिए और देखभाल के बनाना चाहिए। और मिडिल क्लास आदमी जो एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ियाँ लेना चाहता है, वो इतना बजट बना सकता है और उसकी इनकम भी 50-60-70 हज़ार है, 50 हज़ार से 80 हज़ार के बीच उसकी अगर इनकम है, वो इनमें से कोई भी गाड़ी आग बंद करके ले ले, उसे कल को कोई टेंशन नहीं होगी, मज़े से वो गाड़ी चलाएगा। तो आज तक आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। आपके लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे, 5 लाख से नीचे का भी सेगमेंट लाएंगे, बेस्ट सेडान कौन सी है वो भी लाएंगे, जो सेडान प्लान कर रहे हैं एसयूवीज के लिए भी लाएंगे, और बहुत सी चीज़ों के लिए आपके लिए इंडोर वीडियोस लाएंगे। और जैसे ही हमें समय मिलेगा और सब चीज़ें बैक टू बेसिक्स होगी, आपके लिए आउटडोर शूट्स, ह्यूंडई अल्कज़ार, थार रॉक्स, जितनी भी नई गाड़ियाँ आई हैं, एमजी की एक ईवी कार आई है, सभी का रिव्यू बैक टू बैक आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।